करूंगा अले पेरके, थक गई मैं ये विश्वा को ढूंढते ढूंढते, इधर चला गया पता नहीं ये। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उससे कैसे बात करूं। नहीं ये बहुत हो गया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम्हें बताया तो था मैंने रात को। नहीं मैं भी उससे कुछ छुपाना नहीं चाहता, लेकिन उससे बात कैसे करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या वो मेरी बात समझ पाएगी? अच्छा तो इधर छुप के प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है। अभी इसको रंगे हाथ पकड़ती हूँ मैं। ओके माया, तो हम लोग कल मिलते हैं, फिर इस बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे देखना पड़ेगा ये मेरी सौतन माया कौन है। जाग दे। हेलो डॉक्टर दीक्षित है? डॉक्टर दीक्षित, मैं पीयू की मॉम बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि वो कई दिनों से आपके पास आ रही है। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि अगले सेशन पर मैं भी साथ आ जाऊँ, क्योंकि मुझे पीयू के बारे में आपके साथ कुछ बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, इनफैक्ट इससे हमें फायदा ही होगा। लेकिन आई एम सॉरी, मैं 15 दिन के लिए एक सेमिनार अटेंड करने जा रही हूँ दिल्ली से बाहर। सो पीयू को भी मैंने 15 दिन के बाद ही बुलाया है। अगली बार जब पीयू आएगी आप भी उसके साथ आ जाना। श्योर, थैंक यू सो मच। वो ट्रैवल कर रही है अगले 15 दिनों के लिए, तो जब तक शी इज बैक मैं कोई ऐसा प्लान सोच लूंगी कि पीयू को वापस वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा हुआ अलिया ने आपको वार्न कर दिया कि उससे हम पे शक हो गए हैं, और मैंने भी उसे झूठ बोल दिया कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया इस मैटर को। अरे थैंक यू किया बात है इशिता, मैं भी समझती हूँ कि ये औरत एक छोटी बच्ची से झूठ बुलवा रही है। ये एक अच्छी माँ एक अच्छी औरत कैसे हो सकती है? अब जब तक हमें समझ नहीं आ जाता कि पीयू के साथ क्या चल रहा है, मैं भी उसे नहीं मिलूंगी। थैंक यू। काउंसलर हमारे साइड पे, उन्होंने शगुन को बोल दिया कि 15 दिन के लिए वो दिल्ली से बाहर जा रही है। ब्रिलियंट, अब शगुन भी रिलैक्स हो जाएगी और कपल कॉन्टेस्ट में बिजी हो जाएगी। लेकिन हमें प्लान कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम आसानी से पीयू को निकाल भी पाएं, काउंसलर के पास लेकर आ पाएं कॉन्टेस्ट के दौरान, और शगुन को शक भी ना हो। करेक्ट। हाँ मिस्टर बंसल, हाँ आपने जो भेजे थे सारे कपड़े आ गए। मैं बस फिलहाल शॉर्टलिस्ट ही कर रहा हूँ, एंड आई विल लेट यू नो, कलेक्शन वाकई अच्छा है। ओ क्या कॉलिंग रमन, आप यहाँ पे हो? मैं कहाँ है? क्या क्या फोन बंद है तेरा? कितने फोन कर चुका हूँ यार। किया था क्या? I'm sorry. Actually, रमन, मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो सब बाद में, पहले मैं जो बताना हूँ सुन। देख ये सारे कुछ कपड़े जो शॉर्टलिस्ट किए कल के कॉन्टेस्ट के लिए। मैं चाहता था कि तू वहीं आके सिलेक्ट कर ले, पर फिर मैंने कपड़े घर ही मंगवा लिए, तो सिलेक्ट कर ले, वैसे मैं अपने देख लेता हूँ। मैं रमन को अभी काउंसलर के बारे में बताऊँ क्या? इतने अच्छे मूड में ये फैन का मूड अभी खराब नहीं करना चाहती, वापस बेचारे पीयू को लेके परेशान हो जाएंगे। क्या हुआ देख लेना, ये कैसा है? डल है? नहीं अच्छा नहीं। चल तू फिर जल्दी देख तो सही, तुझे क्या पसंद? ये भी अच्छा है। ओह नाइस नाइस प्रेजेंस ना। अरे सुन, अच्छा वो तुम दोनों आ गए। कुछ कपड़े मंगवाए थे कल के कंपटीशन के लिए शॉर्टलिस्ट करके, फिर मत बोलना मौका नहीं दिया मैंने। नहीं 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 भाई, मेरा मीका का हो गया, अपना देख लो। वाओ चाचू क्या बात है, मतलब फुल ऑन शॉपिंग वॉपिंग। हाँ हाँ हाँ, इतनी अच्छे से तैयारी हो रही है, लगता है इस कपल्स के कंपटीशन में ना बहुत मजा आने वाला है। चाचू मैं आपकी सिलेक्शन देख सकता हूँ? देख ले थोड़ी ना होगी तो जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है। वाओ ये कितना कूल है। हाँ दस साल के बच्चे